30 दिन खुशियों के वेब दुनिया पर खेलो जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट, जो चलेगा 2 अप्रैल से 1 मई 2021 तक। कॉन्टेस्ट खेलने के लिए वेब दुनिया ऐप डाउनलोड करें और जीते लाखों के इनाम। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 51,751 नए मामले सामने आए, 258 लोगों की मौत। राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 34,58,996 हो गए। 5,64,746 एक्टिव मरीज, 58,245 संक्रमितों की मौत। मुंबई में संक्रमण के 6,893 नए मामले सामने आए और 43 मरीजों की मौत। कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या के लिहाज से ब्राजील को पीछे छोड़कर भारत दूसरे स्थान पर पहुंचा। ब्राजील में कोविड 19 के अब तक 1,34,82,023 मामले आए हैं। दुनिया भर में 13,61,36,954 लोग कोरोना से संक्रमित। डीसीजीआई ने दी रूसी कोविड टीके स्पुतनिक वी को आपात इस्तेमाल की मंजूरी। डीसीजीआई ने कुछ शर्तों के साथ रूसी कोविड 19 टीके स्पुतनिक वी को सीमित आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। स्पुतनिक वी टीके की करीब 10 करोड़ खुराक अगले 6 से 7 महीने में आयात किए जाने की संभावना। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच सोनिया गांधी का पीएम मोदी को लेटर, सरकार को कोरोना का टीका सब राज्यों में उपलब्ध कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि गरीब तथा आम लोग फिर आर्थिक संकट से घिर रहे हैं, गरीब को हर महीने मिले 6,000 रुपए। चुनाव का गुस्सा सीएम शिवराज पर फूटा, स्थानीय जनता ने मुख्यमंत्री के काफिले के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां ले रखी थी जिस पर लिखा था, चुनाव में नहीं है कोरोना, शादी विवाह में रोना, चुनाव का बहिष्कार, पेट पर पड़ रही है मार। मुख्यमंत्री यहां उपचुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे थे। वेब दुनिया और डॉयचे वेले लाए हैं आपके लिए 5 लाख रुपए तक के उपहारों की शानदार सौगात। 2 अप्रैल से 1 मई तक आप जीत सकते हैं शानदार इनाम। हर दिन देना है बस 5 सवालों के जवाब। जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट में आप इस तरह ले सकते हैं भाग। वेब दुनिया डॉयचे वेले कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल पर वेब दुनिया ऐप अपडेट करें। यदि मोबाइल पर ऐप नहीं है तो आप नए सिरे से ऐप डाउनलोड कर कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वेब दुनिया ऐप डाउनलोड कीजिए। वेब दुनिया ऐप डाउनलोड कर चुनिए हिंदी भाषा। टॉप मेनू बार में गिफ्ट आइकन को क्लिक कीजिए। फेसबुक या जीमेल से लॉग इन कर जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनिए। आपको हर दिन 5 सवालों का सेट मिलेगा जिनके जवाब वेब दुनिया और डॉयचे वेले के लेखों में मिलेंगे। सही जवाब दीजिए, कॉइन्स इकट्ठा कीजिए और आप जीत सकते हैं कई शानदार इनाम। जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट देता है आपको शानदार सुनहरा अवसर महीने भर तक। दोस्तों और परिचितों से कॉन्टेस्ट शेयर कर कमाइए कॉइन्स, शेयर करें खूब खेले खूब कमाए। साथ साथ वेब दुनिया डॉयचे वेले पर बॉलीवुड, क्रिकेट, कला, इतिहास और धर्म संबंधी जानकारी भी बढ़ाए। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा क्विज कहाँ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में तकरीबन आधा दर्जन न्यायिक अधिकारियों के कोरोना वायरस संक्रमित होने के बाद जिला न्यायाधीश ने मंगलवार को जनपद के सभी न्यायालय बंद रखने के आदेश दिए। चूंकि अगले दिन बुधवार को अंबेडकर जयंती के चलते अवकाश रहेगा, इसलिए सभी न्यायालय पुनः 15 अप्रैल को ही खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नवरात्रि, गुड़ी पड़वा, बैसाखी, युगादि, विशु, नवरेह सहित अन्य त्योहारों के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी। कहा, ये पर्व भारत की विविधता और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावनाओं को दर्शाते हैं। निर्वाचन आयोग ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल के एक रोमांचक मैच में सोमवार को किंग्स इलेवन पंजाब के हाथों 4 रन से हार का सामना करना पड़ा। पंजाब के लिए लोकेश राहुल ने 91 और दीपक हुडा ने खेली 64 रनों की तूफानी पारी। मैच में संजू सैमसन ने जड़ा इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का पहला शतक। निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा को देश का अगला मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया। चंद्रा 13 अप्रैल को कार्यभार संभालेंगे। चंद्रा के कार्यकाल में निर्वाचन आयोग गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराएंगे। ये तो फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com पर।